नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग को कैसे इंस्टेंट ई पैन कार्ड हम लोग को कैसे अप्लाई कर सकता है। मतलब आपका पास लैपटॉप लेने का जरूरत नहीं, आप लोग को डॉक्यूमेंट मतलब अटैच करने का जरूरत नहीं, लेकिन आप विदाउट कॉस्ट में आपका एंड्रॉयड मोबाइल से तुरंत आप लोग को विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप लोग को ई पैन कार्ड को अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम वन आवर से आपका जो ई पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो उसका उसका बारे में हम लोग को आज ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसका पहले अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे चैनल में टेक्निकल वीडियो को छोड़ के अगर सभी लोग को जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग को डालते रहता हूँ। सो आप लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, अंदर चलेंगे। मतलब कोई भी अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का कुछ प्रोसेस आप लोग को करने के लिए, आप लोग को पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। आप लोग को पैन कार्ड नंबर, अभी तक आपका पास पैन कार्ड रहने से ठीक है, आप लोग को तुरंत पैन कार्ड नंबर उसमें लिख सकता है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है से आप लोग को एक महीना का रुकने का जरूरत नहीं। मतलब पहले तो क्या प्रोसेस था, 200 से 300 का जो पैसे डाल के एक महीना नहीं तो 2 महीना जो आदमी लोग को रुकना चाहिए वो फिजिकल ई पैन कार्ड जो आने का तक। लेकिन अभी मैं जो पैन कार्ड का फिजिकल पैन कार्ड का जो आदमी लोग को जो जरूरत नहीं, मेरे को खाली नंबर चाहिए बोल के आदमी लोग को सोचने से आप लोग तुरंत ये इंस्टेंट ई पैन कार्ड को अप्लाई कर सकता है। अंदर चलेंगे जो कैसे जो करना है बोल के मैं प्रोसेस बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ, ठीक है। पहले आप लोगों को कुछ नहीं, आपका क्रोम गूगल क्रोम और नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके गूगल पेज ओपन कर दीजिए। सो ओपन करने के बाद आप क्या करना है, उसमें इनकम टैक्स www.incometax.government.in बोल के जो एंटर करना है, एंटर करने से आप लोगों को फर्स्ट में आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम बोल के आ जाएगा, उसको दबाना है, ठीक है। उसको दबाने के बाद आपको क्या आ जाएगा, ऐसा वाला एक मतलब ऐसा वाला पेज आपको मिल जाएगा, उसी में ई फिलिंग 2.0। मतलब ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया वर्षन है, ई फिलिंग एनीवेयर एनी टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें क्या करना है, अगर जो आपका जो बटन मतलब स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल करके नीचे आइए, उसमें नीचे आने से आपको क्या मिल जाएगा, आवर सर्विसेज बोल के उसमें उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब लिंक आधार ई पे टैक्स ऐसे बोल के मिल जाएगा। फिर थोड़ा आपका जो माउस का है ना, थोड़ा डाउन कीजिए। डाउन करने से आपको इनकम टैक्स वेरीफाई यूर पैन नो टैक्स बोल के ऐसा आपको अबर कुछ फोल्डर आपको मिल जाएगा। इसमें नीचे देखो शो मोर बोल के है ना, इसको क्लिक करो। सो इसको क्लिक करने से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा इधर में देखो नो यूर ये वो ऑथेंटिकेट इंस्टेंट ई पैन ऐसा कुछ आता है ना, इसमें हम लोग को यही क्लिक करना। मतलब आप लोग को इंस्टेंट ई पैन हम लोग को करने के लिए जा रहा हूँ ना, इसलिए इंस्टेंट ई पैन बोल के क्लिक करना। क्लिक करने से ऐसा वाला पेज मिल जाएगा। मतलब ये प्रोसेस में खाली आपका आधार नंबर रहने से आप लोग तुरंत ई पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है, दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं, ठीक है। इधर में देखो गेट न्यू ई पैन है ना, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने से और एक पेज मिल जाएगा, इसमें क्या करना देखो, चार प्रोसेस है। मतलब आप पहले एक आधार कार्ड का नंबर एंट्री करना, फिर ओटीपी वैलिडेट करना, फिर वैलिडेट आधार डिटेल्स करना, फिर फाइनली आपका पैन कार्ड का जो डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर 12 डिजिट आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है ना उसके आप दबाना है, ठीक है। 12 डिजिट का जो ये दबाने के बाद इसमें नीचे है ना आई कंफर्म बोल के आप क्लिक करना, क्लिक करके आप सबमिट करना है, ठीक है। तो आई कंफर्म करके फिर इसमें देखो कंटिन्यू बटन है ना, कंटिन्यू बटन को जो दबाना है, दबाने से फिर दूसरा पेज जाएगा। फिर आपका जो रजिस्टर नंबर, आधार कार्ड में एक रजिस्टर नंबर आप दिया होगा ना, आधार का साथ लिंक किया होगा, वही नंबर को एक ओटीपी आएगा, ठीक है। आप मतलब तुरंत नहीं आएगा, पहले ये पूरा ये ना देखो ओटीपी वैलिडेशन है, ये पूरा आप लोग को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप क्या करना है देखो, पूरा इधर में कुछ प्रोसेस इसमें लिखा होगा, आप तो सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद इसमें आई हैव रीड द कंसर्न टर्म्स एंड अग्री टू प्रोसीड फर्दर बोल के क्लिक करके कंटिन्यू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग को ओटीपी मिल जाएगा आपका मोबाइल को, ओटीपी नंबर को 6 डिजिट ओटीपी नंबर को इसमें आप लोग को एंट्री करना। अगर आप लोग को ओटीपी नहीं आया पहले टाइम, आप थोड़ा 10 मिनट वेट करो, इसमें रीसेंट ओटीपी है ना इधर में ऑप्शन मिल जाएगा, फिर रीसेंट ओटीपी को आप क्लिक करो, फिर एक ओटीपी मिल जाएगा, वो ओटीपी को इधर में दबा लो। दबाने के बाद इसमें जो एक बॉक्स है ना, स्मॉल बॉक्स है ना, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन दबाना चाहिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन दबाना है। दबाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपका आधार
आधार में क्या क्या डिटेल्स होगा, फोटो, आपका आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। सो मिलने के बाद आप क्या करना, मिलने के बाद क्या करना, आप फिर नीचे एक बॉक्स है ना, स्मॉल टिक बॉक्स होता है ना, उसको टिक करना है। टिक करके जो कंटिन्यू करना है, सो इधर में टिक करके जो कंटिन्यू करना है, इसमें देखो आपका पास एक पैन कार्ड पहले जो रहना रहेगा, तो दूसरा पैन कार्ड नहीं अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई करने से आपको 10,000 रुपीज जो पेनाल्टी डाल देगा, ठीक है। सो देख लीजिए आदमी लोग को क्या क्या करता है, दूसरा दूसरा एड्रेस प्रूफ को देके जो पैन कार्ड लेना है, दो तीन पैन कार्ड जो लगा देता है, इसलिए उसको जो अगर गवर्नमेंट वाला जो पकड़ने से 10,000 को पेनाल्टी डाल देगा, ठीक है। सो एक्सेप्ट, आपके पास कोई भी एक पैन कार्ड नहीं है जो पहले बार पैन कार्ड रहने से, इसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने से आपको क्या आ जाएगा, देखो इसमें इट इज रेकमेंड टू वैलिडेट द, सॉरी मैं एक बोलने के लिए मैं भूल गया था, इधर में देखो ईमेल आईडी के पास लिंक ईमेल आईडी बोल के एक ऑप्शन रहता है ना, आपका पास जो आप आधार अप्लाई करने के पहले आपका पास ईमेल आईडी जो लिंक नहीं किया, तो आपको अभी लिंक करने का जरूरत रहने से ये लिंक कीजिए। अगर आपको जो इंटरेस्ट नहीं है रहने से आपको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इसमें यही पूछा था, इट इज रिकमेंडेड टू वैलिडेट द ईमेल आईडी सो दैट इट कैन बी अपडेटेड इन पैन डेटाबेस, हाउएवर यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड कंटिन्यू विदाउट वैलिडेटिंग। आपका पास मर्जी है तो विदाउट मतलब ईमेल आईडी का नई वैलिडेट करके जो कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको ईमेल आईडी वैलिडेट करना है तो इधर वैलिडेट करो, मेरे को वैलिडेट नहीं चाहिए इसलिए मैं कंटिन्यू किया था, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर लोडिंग हो जाएगा, लोडिंग होने के बाद ठीक है एक्सेप्ट करके कंटिन्यू किया ना, लोडिंग होते रहेगा। लोडिंग होने के बाद ऐसा इधर आ जाएगा, इधर में देखो अक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें मिल जाएगा। देखो पहले एक स्टेप, चार स्टेप, लास्ट स्टेप है ना, अक्नॉलेजमेंट नंबर को आप आपका इधर में अक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं तो इधर एक ये अक्नॉलेजमेंट नंबर है ना, वो अक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे आएगा, वो ज्यादा डिजिट आएगा, FC2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। नंबर फिर अल्फाबेट दोनों भी रहता है वो अक्नॉलेजमेंट नंबर में, फिर ये अकेले नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल मोबाइल को भी SMS ये लोग को करता है, ठीक है। वो थोड़ा आप फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए, नहीं तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोग को थोड़ा सेव करके रख दीजिए। सो बस आप लोग को पैन कार्ड जो अप्लाई किया था अप्लाई कर दिया, अभी पैन कार्ड जो आपको मिल गया, नहीं तो पैन कार्ड नंबर क्या बोल के आप लोग को देखना चाहिए, तो फिर जो फर्स्ट पेज है ना, होम पेज जाना चाहिए, होम पेज जाना चाहिए, तो इधर देखो चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन बोल के एक है ना, इसको क्लिक करना। सो क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, फिर आधार नंबर 12 डिजिट आधार नंबर एंट्री करना, एंट्री करके जो कंटिन्यू करना है, जो कंटिन्यू करने के बाद आपको OTP वैलिडेशन करना चाहिए, जो OTP को वैलिडेट करने के बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने से आप लोग को क्या जाएगा स्टेटस देखो, मैं तो तुरंत चेक किया था, मतलब मैं तो कल 10 जुलाई है ना, कल मैं तो ये अप्लाई किया था, अप्लाई करके तुरंत मैं चेक किया, मेरा स्टेटस हुआ नहीं, तुरंत मतलब अप्लाई करने का तुरंत मैं तो चेक किया था, इसलिए ई पैन सर्विस का जो मैं इसमें आया नहीं, इसमें क्या बेंडिंग बोल के लिखे इसमें देखो, थैंक यू फॉर यूजिंग ई ई पैन सर्विस, वी आर वैलिडिंग योर डिटेल्स, प्लीज चेक आफ्टर एन आवर बोल के इसमें मैसेज दिया है। मतलब कोई ना कोई, मैं तो रात में तो ये कर दिया किया था, इसलिए मेरे को तुरंत हुआ नहीं। आप तो दिन का टाइम में जो करने से आपको तुरंत 10 मिनट मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में आपको ई पैन का जो नंबर मिल जाएगा, आप आपका ई पैन को आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर 1 घंटा का पहले कल कल छोड़ दिया, फिर मॉर्निंग सुबह मैं तो चेक किया था, चेक करने के बाद मेरा मेरा मतलब मेरा नहीं, मैं तो किसी का जो अप्लाई किया जो पैन कार्ड उसी को हम व्यू कर सकते हैं। इधर देखो व्यू ई पैन डाउनलोड ई पैन बोल के आपको इधर में ऑप्शन देगा, आपको कोई मतलब व्यू का खाली नंबर चाहिए तो व्यू करके नंबर नोट कीजिए, अगर आपको डाउनलोड करना चाहिए तो डाउनलोड कीजिए, ठीक है। सो बस इतना ही है, इतना ही है। सो कैसे जो इंस्टेंट ई पैन कार्ड मतलब आप अप्लाई करना है बोल के ये वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आपको ये वीडियो पसंद रहने से लाइक कीजिए। ये वीडियो है ना सभी लोग को सभी का पास जाना चाहिए, क्यों बोलने से आदमी लोग को अभी भी आदमी लोग को क्या जाता है, पैन कार्ड नंबर तुरंत चाहिए बोल के एक महीना 2 महीना ऐसा इंतजार करता है, खाली वो जो नंबर के लिए 2 महीना 1 महीना जो इंतजार करता है, ऐसा तो इंतजार करने का जरूरत नहीं। आप गवर्नमेंट का वेबसाइट जो मैं बोला वही वेबसाइट के पास जाके तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम
1 आवर मिनिमम 5 मिनट्स का अंदर भी आपको पैन कार्ड व्यू कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। हमारे चैनल में टेक्निकल वीडियो छोड़ के ऐसा ऐसा वीडियो, अच्छा वाला वीडियो सभी लोगों को जो अवेयरनेस ग्रेट करने के लिए मैं डालता हूँ। सो आप लोग को मेरे को सपोर्ट करना है। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।